यहाँ ये भैंस इस दलदल में बहुत देर से फंसी हुई है। तभी वहाँ एक लकड़बग्घा घूमते हुए आ पहुँचा, लेकिन ये भैंस इस दलदल में इतनी बुरी तरह से फंसी हुई है कि निकल भी नहीं पा रही है। अब लकड़बग्घा इस भैंस को सूंघने लगा और बेचारी इस भैंस को नोचने लगा। भैंस अभी भी जिंदा है और अपने पैर चलाकर इस दलदल से निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लकड़बग्घा इसे नोचने में लगा हुआ है और बेचारी इस दलदल में फंसी हुई बेबस और लाचार भैंस को जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगा।